नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है कि एक बुरे जीवन का या फिर हम आत्मा के जीवन जीवन जिंदगी में जितने भी बुरे समय आते हैं या फिर जितने भी बुरे पल आते हैं उसका कितना प्रभाव उस पर पड़ता है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा गंभीर है क्योंकि मैंने नहीं सोचा था इतनी बात गंभीर होगी कि, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है क्योंकि अगर आपने थ्रू टाइम इनटू हीलिंग ये डॉक्टर ब्रायन वीज़ जी की किताब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अगर किसी आत्मा ने बहुत ही बुरी बुरी ज़िंदगी बिताई होगी या फिर किसी आत्मा की बहुत ही कहते ना कि बहुत ही दर्दनाक मौत हुई होगी तो वो उसकी जो आत्मा है या फिर उसका जो अंतर्मन है वो उन सारी चीज़ों को डायरेक्टली नहीं भुला पाता, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव उसका उस पर पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, लेकिन अगर देखा जाए तो आत्मा इन सारी चीज़ों को पार करके ही आगे बढ़ती है और इस वजह से इन सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण है आपसे कहना। लेकिन इन सारी चीज़ों से हम कितना सीख ले या फिर किस तरह से जीने की कोशिश करें ये भी मैं आपको आखिर में बताऊँगा। जो आत्मा का जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा दुखमय है। अगर पृथ्वी की बात करें आत्मालोक में वो बहुत ही ज़्यादा सुखमय और बहुत ही ज़्यादा समाधान की अवस्था में होती है, लेकिन पृथ्वी पर उसको बहुत ही अलग अलग जगह पे और अलग अलग कहते हैं ना कि वक्त मतलब हालत में वगैरह ऐसे जन्म लेना पड़ता है और इस वजह से उसके सामने कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती और जिसमें उसके सामने बहुत ही ज़्यादा दुखद भी पल आते हैं। उस दुखद पल को वो बहुत ही जल्दी और आसानी से नहीं भुला पाती और इस वजह से उसके अंदर उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक बार मैंने ऐसा भी देखा था डॉक्टर वायनिस जी की किताब में कि किसी का अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखद मौत हुई हो और उसको अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लिया जाए तो वो अगर उस ज़िंदगी को फिर से याद करे तो वो इतना घबरा जाता है, या फिर डॉक्टर ब्रायनिस जी ने तो यह कहा था कि पूरी तरह से उसको पसीना आ जाता है, वो सोच भी नहीं सकता और ऐसे वक्त में उसको देखना भी बहुत ही बुरा लगता है ऐसे इंसान को, लेकिन वो पल के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक है और अगर बात करें आत्माओं की तो ऐसी चीज़ों में उनको सामना करना ही पड़ता है। एक मैंने ऐसी भी कहानी सुनी थी कि जब एक आत्मा ऊपर गई तब उसकी एक मुलाकात एक बहुत ही बड़ी आत्मा से हुई जिसे हम मास्टर कह सकते हैं या फिर उच्च भली आत्माएं। तो उस आत्मा ने उनसे ये कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बुरे बुरे जन्म लिए हैं और मुझे लेने पड़े, और उसने ये भी कहा था कि मुझे कुछ जन्मों में वेश्या का भी काम करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सीखनी थी। तो आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों से। तो किस तरह से हम अगर हम जिए तो इन सारी चीज़ों का हम आसानी से पार कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा इस पर थोड़ा सा और बोलने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो ये सारी चीज़ें भुगतनी होती है वो आत्मा के लिए इसलिए भुगतनी होती है क्योंकि वो सारी चीज़ों का दुख समझे। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में एक समझो अमीर इंसान है या फिर एक ऐसा इंसान है जिसको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ कमी नहीं है, मैं अमीर भी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा कुछ कमी नहीं है और अपनी ज़िंदगी वो ठीक ठाक से बिता रहा है, अगर ऐसे इंसान को किसी गरीब की या फिर किसी बेसहारा इंसान की दुख नहीं समझता तो ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके सामने ऐसे जन्म आए। क्यों? क्योंकि वो दुख ही नहीं समझ पा रहा। या फिर मैं समझो खाना खा पे मस्त भी कि पेट फुला के कहते हैं ना कि बाहर पड़ा हूँ और कोई बेचारा भूखा है और वो कह रहा है कि मैं दो दिन से भूखा हूँ, मतलब बोलने के लिए कि वही बेचारा सुबह से काम कर रहा है और उसने अपना अब तक नहीं खाना खाया, तो उसको अपने हिसाब से कितनी मदद हो सके उतनी करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको ये कहते हैं कि दूसरों का दर्द समझना। लेकिन अगर मैं आराम से वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा तो पेट भरा है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि मैं सुखी तो दुनिया सुखी, तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। अगर कहते हैं ना कि कोई सब लोग दुखी है और मैं अगर बहुत ही ज़्यादा सुखी हूँ तो उस सुख को कितना महत्व देने की हम कितना महत्व दें क्योंकि बाकी के लोग तो दुखी है। तो इस तरह से हम अगर सोचने लगे अपनी ज़िंदगी में तो हमारा जो उद्धार है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे तो यही लगता है कि दूसरों का दर्द हमें समझना होगा। भले ही मेरे सामने वो वक्त नहीं आया या फिर मेरे सामने वो दुख नहीं आया, लेकिन आज उसके सामने है कल मेरे सामने भी आ सकता है। तो इस वजह से हमें यह सोचना चाहिए कि वो और मैं कुछ अलग नहीं है, मैं और वो अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों के आत्मा का जो निर्माण है वो किसी एक ने ही किया है और उस वजह से हम दोनों एक ही है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके मैं सच कहता फिर से आपसे कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कोई हमारे पास कोई मदद करने के लिए मतलब आया, कोई बच्चा कहे कि आप ड्राइंग करके निकाल के दो आपकी अगर ड्राइंग अच्छी हो तो, ये भी समाज के लिए जीना ही हुआ। निस्वार्थ से हम अगर ड्राइंग करें और उसको कहे कि बहुत ही थैंक यू वगैरह कि आपने मतलब बहुत दिनों से मेरी भी रुचि थी कि कुछ का निकालना, तो इस तरह से अगर हम करें तो बहुत ही अच्छा है और वो भी बहुत ही सुख से आपको थैंक यू बोलेगा, वो आपको दिल से दुआ कर देगा। तो इन सारी चीज़ों की भी समाज के लिए जीना ही कहते हैं। समाज के लिए मतलब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया के लिए कुछ करो ऐसा ज़रा भी नहीं है। तो अगर हम दुखी जीवन के बारे में बात आत्मा के तो उसका बहुत ही ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि आत्मा या फिर उसका जो अंतर्मन है वो इन सारी चीज़ों को भुला नहीं पाता। जब कोई आत्मा इस दुखी जीवन को लेकर मतलब अगर उस एक आत्मा की ज़िंदगी में सब कुछ बुरा ही हुआ और वो इस सारी चीज़ों को लेकर अगर
जब आत्मलोक से आत्मलोक में चली जाती है तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि डिप्रेशन में होती है या फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसे वक्त तो ज़्यादातर उसको आराम के कक्ष में लेके जाकर उस पर थोड़ा सा कहते हैं ना कि इलाज किया जाता है और उसको एक पवित्र किरण के जो पवित्र किरण होता है मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है उसके साथ उसकी इलाज किया जाता है और उसको बहुत सारी चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि उसके बाद वो पूरी तरह से शांत होने के लिए मदद होती है। तो आत्मलोक में तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से की जाती है और उनको भी पता चलता है कि पृथ्वी पर समझो मेरे अंदर कुछ दर्द है और मैं किसी को समझा नहीं पा रहा उन सारी चीज़ों को, तो सामने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन आत्मलोक में वैसा नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी अपनी परेशानियाँ हैं वो दूसरों का कह सकते हैं और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो दर्द है उसके बारे में हमें ये सोचना चाहिए कि देखिए ये जो दर्द है वो इसी वक्त का है। अगर हम देखें तो जीवन के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, मुझे भी पता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा विषय मतलब कहते हैं ना दिन इसमें ही निकल जाता है कि हम किस तरह से जीवन जिए, या फिर परेशानियां तो कम नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। लेकिन अगर हम कमल के पुष्प की तरह मतलब पानी में रहकर भी उससे विभक्त होने की कोशिश करें तो हम इन सारी चीज़ों से छूट सकते हैं। थोड़ी सी मतलब कोशिश करनी होगी आपको, लेकिन हमें सबको कोशिश करनी होगी। मैं भी थोड़ी ना इन सारी चीज़ों से आराम से छूटा हूँ, लेकिन मुझे भी अगर मैं भी हमारे साथ मतलब हम सब मिलकर थोड़ी सी कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी में रहकर भी उससे अलिप्त रहने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा बार मतलब थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर हम आत्मा पे इन सारी चीज़ों का कहते ना कि प्रभाव ना डालने की कोशिश करें, या फिर अपनी ज़िंदगी में कहते ना कि जो अच्छा है उस पर ही ध्यान दे या फिर बाकी की चीज़ों में ध्यान ही ना दे, जितना हो सके हम निस्वार्थ तरीके से या फिर स्थित प्रज्ञता से रहने की अगर कोशिश करें तो हमें इन सारी चीज़ों का चिंता नहीं होगी। और मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि कभी कभी आत्मा को बहुत बुरे जन्म लेने पड़ते है, लेकिन अगर हम दूसरों का दर्द जाने तो इन सारी चीजों का थोड़ा मतलब फायदा हो सकता है। देखिए अगर किसी का जिंदगी में कुछ बुरा हुआ और अपनी ज़िंदगी में मुझे कुछ भी नहीं लगा, तो ऐसा वक्त आ सकता है कि वैसा वो सारी चीज़ें फिर से हमारे सामने आए, तो वैसा तब जब मेरे सामने आएंगी तब मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, क्यों? क्योंकि अब मेरे साथ वो घटित हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें इस वजह से होती है कि हम इन सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि करीब से देख पाए और उसकी कहते हैं ना उसका जो गंभीरता है उसको महसूस कर पाए कि भाई दूसरे के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है, मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि देखिए हमारी जो आत्मा है वो कभी कभी ऐसे ही चुनाव करती है जिससे इन सारी चीज़ों से उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है होता है, मतलब उसका जो स्तर है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है ऐसे वक्त में। और जो हमारे करीबी है तो ऐसे भी उनके लिए भी अच्छा होता है कभी कभी कि वो बहुत ही कम समय के लिए आत्मलोक मतलब पृथ्वी पर जाए और फिर से आए, तो ऐसे चुनाव बहुत ही ज़्यादा आत्माएं करती है। कुछ आत्माएं मैंने ये भी देखी है कि वो एक दो साल भी रहती है अब पृथ्वी पर और उसके बाद फिर से वो आ जाती है, तो ऐसी चीज़ें में उनके लिए वो सारी चीज़ें अच्छी होती है और इस वजह से वो ये सारी चीज़ें आती है। मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि आप यही कहेंगे कि मेरे साथ में इसमें क्या अच्छा है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा दुख है, आप कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ कि हमें सारे सवालों के जवाब पृथ्वी पर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके भी अपने अपनों को बहुत कम लोगों ने बात की वगैरह होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक कहते हैं ना कि एक नियम पर चलती है और वो नियम यही बताता है कि आप नैसर्गिक रीति से कम कर्म करो, सामने क्या होने वाला है हमें नहीं पता, फिर भी आप इस तरह से जीने की कोशिश करो, ये सारा नियम हमें यही बताता है। देखिए ये सारे सवालों के जवाब में मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सारे सवालों के जवाब हमें ज़रूर मिलेंगे और हमें जो सवाल के जवाब नहीं भी चाहिए उसके भी हमें मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए एक वक्त है, लेकिन हम अब उस वक्त को मतलब अब तो वक्त वो नहीं आया है और इस वजह से मैं इतना कह आप लोग कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इस तरह से अगर हम जीने की कोशिश करें, सबसे पहले तो दूसरों का दर्द जानना, या फिर मैं यही भी कहूँगा कि हम जितना समाज में अपना योगदान देने की कोशिश करें उतना देने की, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरों को और भी ज़्यादा दुखी देखता हूँ तो मेरा दुख मुझे थोड़ा सा कम लगने लगता है, तो मैं उसके लिए अगर थोड़ा बहुत करूँ तो मेरे मन में थोड़ा सा सुकून आता है और मैं ये कहूँगा कि मेरा तो दुख थोड़ा सा कम है उसके सामने, तो इस तरह से अगर मैं जीऊँगा तो मेरा दिन भी कट जाएगा, मतलब मैं अपने दुख के बारे में ज़्यादा नहीं भी सोचूंगा। तो इन सारी चीज़ों से ये भी अच्छा होता है और ये सारी चीज़ें अगर मेरा समझो कोई इस दुनिया से चला गया है और मैं फिर भी उसको भुलाने की या फिर उस दुख को भुलाने की कोशिश करता हूँ तो वो हमारे अपने जो होते हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि हम जीवन जीना सीख रहे हैं या फिर इस तरह से हमें जीना होगा, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को यही देखा है कहते हुए कि हम इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा सुखी है, आप हमारे बारे में चिंता ना करें, आप बस सफलतापूर्वक अपना ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। आज तक मैंने एक भी केस में ऐसा नहीं देखा कि
मैं यहाँ पे आया हूँ माँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में आपको यहाँ पे चाहता हूँ, आप ऐसा वो कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा को पता है कि सच क्या है। आप ज़रा भी ये ना सोचे। एक माता जी मुझसे ये कह रही थी कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और वो चली गई है, मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही ना वहाँ पर। तो मैं जिन लोगों के ऐसे प्रश्न पड़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारी आत्मा जो है वो पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पर नहीं आती। मैंने तो यही देखा है कि 100% अगर उसकी समझो ऊर्जा है, वो 20% कुछ ऊर्जा लेकर सिर्फ पृथ्वी पर आती है, मतलब 80% जो ऊर्जा है वो हमारी वहाँ पे अभी भी है। तो जब हमारा कोई करीबी यहाँ से जाएगा तब वो उस ऊर्जा के साथ मिलेगा, मतलब उसको अपनी माँ मिल ही गई है वहाँ पे, हम यहाँ पे हैं। तो इसमें टेंशन आप ना लें, जब इस दुनिया से हम जाएंगे तब वो ऊर्जा और हमारी ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी, और हमारी बेटी को भी पता होगा कि ये हमारी माँ वो है जो पृथ्वी पर थी। तो इस तरह की बातें होती है। मैं थोड़ा सा इस बात के लिए एक नई वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन मैं इसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बेटी को जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार करने वाले उसके, कहते हैं ना कि हमारे समुदाय के लोग भी है, मतलब वो हमसे भी बहुत प्यार करते हैं ऐसी आत्माएं। तो ऐसी आत्माओं के साथ वो वहाँ पे है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक समझो कोई औरत है तो उसकी बहन भी उसको बहुत ही प्यार करती है, उसकी बेटी को, मतलब उसकी भांजी को। तो जैसे हम उसके मतलब अपनी बहन के रखने के लिए, अपनी बहन के यहाँ पे अपनी बेटी को या फिर अपने छोटे बेटे को रखने के लिए हम ज़रा भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो वहाँ पे बहुत ही सेफ है और वो भी मेरे जैसा ही वहाँ पे उसको प्यार करती है। तो ये चीज़ें ऐसे आप देख सकते हैं। तो वो आत्माएं आपके, मतलब हम जितना प्यार देंगे उसको उतना उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा का दुनिया है, उसमें प्यार ही होता है, उसमें ज़रा भी दुख या फिर कहते हैं ना कि उसमें क्रोध वगैरह ईर्ष्या बिरसा इन सारी चीज़ों को जरा भी स्थान नहीं होता। तो वो उसको बहुत ही प्यार से वहाँ पे रखेंगे, आप ज़रा भी चिंता ना करें। सबसे बड़ी चीज़ है, आपके बेटे भी आपसे यही कहेंगे कि सबसे बड़ी यही चीज़ है कि हम कितना अपनी ज़िंदगी में सफलतापूर्वक अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, और इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो हम इसी बारे में बात करें कि हम किस तरह से जीने की कोशिश करें। तो अभी मैंने कहा कि जितना हो सके हम समाज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, या फिर कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें, कुछ अच्छा सुनने की कोशिश करें। मैं तो यही कहूँगा कि भगवद्गीता जो है बार बार पढ़े या फिर बार बार देखे, तो इस तरह से क्या होगा कि आपको मन को बहुत ही शांति मिल सकती है, और अपनी ज़िंदगी में आपको कहते हैं ना कि ज़्यादा टेंशन नहीं होगा इन सारी चीज़ों का। हम अगर अच्छे हो तो हम कभी भी हार नहीं सकते, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे हमें आगे बढ़ना होगा, हमें ज़रा भी चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। अगर किसी बात को मैं ठीक से बता नहीं पाया हूँ या फिर मैंने उस पॉइंट को हाथ नहीं लगाया है तो आप ज़रूर बताने की कोशिश करें, मैं ज़रूर आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने एक संस्था का निर्माण करने की कोशिश की है जिसका नाम है ज़िंदगी की रोशनी। सामने जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है अगर आप उस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि संस्था में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। संस्था का उद्देश्य यही है कि जिन लोगों ने अपने को या है किसी और जो बहुत ही अपनी ज़िंदगी में दुखी है उसको लेकर, या फिर किसी और की भी कोई परेशानी होगी कि अपनी ज़िंदगी में वो बहुत ही ज़्यादा अगर दुखी होंगे तो उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, थोड़ा अध्ययन करके, या फिर इसके लिए मैंने कुछ विशेषज्ञों से भी बात की है और वो भी मेरी मदद करेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे की मदद करके, और कहते ना कि हम सब मिलकर, मैं यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर बहुत ही अच्छे पद को प्राप्त हो, और सर्वशक्तिमान ईश्वर के जितने करीब जाए उतना प्रयास करने की कोशिश करनी होगी। जितना हो सके अच्छे हमें ज़िंदगी जीकर परमेश्वर के पास जाना है, ना कि मतलब कहते हैं ना कि कोई भी शॉर्टकट वगैरह नहीं लेना जिससे हमारा खुद का ही बुरा हो और हमारे परिवार के भी लोग दुखी हो। तो इस तरह से जिस तरह से सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहता है कि हम जिए और हमारे अपने भी चाहते हैं कि हम जिए, उसी तरह से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो ये संस्था, मैं यही चाहता हूँ कि दिन ब दिन आगे बढ़े, क्योंकि हम बहुत ही लोगों से अगर जुड़े तो हम बहुत ही कुछ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े, हम इस दुनिया में मतलब कुछ अच्छा करके जाए, मैं यही चाहता हूँ। और अगर आप मतलब कहते हैं ना कि ना जुड़े तो भी कोई बात नहीं, आपके आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों ने इस संस्था के लिए जो भी मदद की है मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा, क्योंकि आपके वजह से इस संस्था का चलन हो रहा है और मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके सचमुच बहुत बहुत आभार। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हो आप ज़रूर पूछें। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।